हुजूर जब मौला अली को जंग पे भेज रहे थे, कोई कहता अल्लाह मौत दे तो गुंबदे खजरा को देखते देखते दे, कोई कहता है काबा देखते देखते दे, कोई कहता है बाबा रिश्कुल्ला शाह के कदमों में मौत दे, कोई कहता है पीर का चेहरा देखते देखते दे। हुजूर कहते हैं अल्लाह वो रसूल जो खुदा को देखता है बेहिजाब, वो सो जाए तो मेराज मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। अल्लाह अकबर। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना, जिसके लिए कुरान में आया जो खुदा का वजह करीम बेहिजाब देखे वो नबी अली को देखकर दुआ करते अल्लाह अली को जंग पे भेज रहा हूं जब तक इसका चेहरा ना देख लूं मुझे मौत ना आए। अली हुजूर अली का चेहरा, हम किसी गहरे नबी को नबी से अफजल मानना तो दूर की बात है, बराबर नहीं मानते। एक सदी से दूसरों से झगड़ा इसी बात पे हो रहा है कि उन्होंने नबी को भाई कह दिया, हमने कहा कि भाई कहने वाला बेईमान हो सकता है? अरे जिसको नबी ने भाई कहा, अंताकी फी दुनिया वल आखिरा, तू मेरा भाई है, सारी जिंदगी उन्होंने भाई ना कहा और बता दिया कि अली यूं एहतराम मुस्तफा करता है, लेकिन नबी ने कहा जब तक अली का चेहरा ना देखूं मुझे मौत ना आए। नबी ने बता दिया कि मेरे दिल में मोहब्बत अली की कितनी है। हुजूर कहते हैं कोई इस पे नहीं समझे आप, ये अहले इरफान की महफिल में बयान करने वाली बात है कि नबी ने अली का चेहरा देखकर मौत मांगी है, इसकी अहमियत आप नहीं समझे, इसकी अहमियत आप नहीं समझे। लेकिन मैं आपके लिए नहीं, मैं इन लोगों के लिए बयान करने लगा हूं इसलिए कि ये बात इरफान की यहां बयान करके इनसे कबूलियत की सनद लेना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि बेटा बाप की तारीफ ज्यादा पसंद है। ये सब बेटे ही तो, सोए भी बेटे हैं अक्सर, बैठे भी बेटे, लेटने वाले भी अक्सर बेटे हैं, बैठने वाले भी अक्सर बेटे हैं, इसलिए मैं मौला अली का जिक्र करने लगा हूं। लेकिन सुने, कभी कभी ऐसा होता है, ए भैया सुन, ए बाबू जिक्र अली चल रहा है यार, मेरे अजीज, मेरे भैया सुन, अल्लाह अकबर, मौला कायनात की शान क्या है, मेरे मौला की शान, मेरे मौला का मकाम क्या है, मेरे मौला का मर्तबा क्या है, मेरे मौला की अजमत क्या है। हर सैयद ने अपने दौर में सबसे ज्यादा किसी की तारीफ की तो अली की। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में उस वक्त रावजी और सुन्नी का झगड़ा बहुत उरूज पे था, बादशाहों ने रावजियत को उरूज दे रखा था और सुन्नियों ने, अहले इक्तदार की हमेशा आदत है कि बातिल को आगे करते हैं, हालांकि कोई अगर उधर से मुतासिर हो तो वो बुरा नहीं माने, मेरी गुफ्तगू आखिरी तक सुने, हम चिटिंग बाज लोग नहीं है। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, हमसे ज्यादा हक पे कौन हो सकता है? सुन्नियों की हक्कानियत की अलामत यह है कि इमाम हुसैन से लेकर इमाम मेहंदी तक सबका मसला अहले सुन्नत है, सबका मसला अहले सुन्नत है। हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं, हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। क्यों? इसलिए कि जिसके पीछे मैं नमाज पढ़ूं, अगर कोई मेरा मुरीद है ना, मैं मुरीद करता नहीं हूं लेकिन मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई मेरा मुरीद उस इमाम को गाली दे तो वो उस इमाम को बाद में गाली देगा, पहले गाली मुझ पर है क्योंकि मैंने ऐसे गंदे के कोई इमाम क्यों बनाया। अगर वो मेरे इमाम को मेरा मुरीद गाली देता है तो वो मुझे पहले देता है, इमाम को बाद में देता है। हम सिद्दीक फारूक उस्मान की गुस्ताखी किस मुंह से करें, क्योंकि मौला अली ने तकरीबन 12 साल से ज्यादा उनके पीछे नमाजें पढ़ी है। जब मेरे जैसा गिरा पड़ा सैयद इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता तो सैयद सादात किसी बिगड़े के पीछे नमाज कैसे पढ़ सकता? अली ने उनके पीछे नमाज पढ़ के बता दिया, अली ने उनके पीछे नमाज पढ़ के बता दिया कि जिसके पीछे मैं खड़ा हूं उसकी गुस्ताखी करने वाला मेरा हो ही नहीं सकता। ये बात करने लगा तो हजरत मखदूम सिमना का जिक्र चल रहा था,
मखदूम पाक का जिक्र चल रहा था, जब वो मोहम्मदाबाद पहुंचे आजमगढ़ जिला में, तो वहां पे कुछ जाहिर बीन लोग, क्योंकि दुनिया में एक वो एक तबका होता है जिसको इल्म का फैजान मिलता है और एक वो होता है जिसको इल्म मिलता है फैजान नहीं मिलता, तो वो हर चीज पे नुक्ताचीनी करते, ये तो ज़ईफ है, ये तो मौजूर है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, वो तो वैसा, वो तो वैसा। उनकी आदत ही फितना खोरी की होती है, जिनको इल्म मिलता है मगर फैजान नहीं, और जिनको फैजान इल्म मिलता है वो कभी अली का और औलाद अली का बागी नहीं होता। ये खास बात है, इल्म दे खुदा तो इल्म का फैजान दे, वरना शैतान के पास भी बहुत इल्म था। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे ईमान भी दे, वरना ये वो है जो शैतान बना देता है। जिसे इल्म का फैजान नहीं मिलता वो नबी के इल्म को गाय और जानवरों के इल्म से तशबीह देता है, और जिसको इल्म का फैजान मिलता है जब वो नबी की औलाद की बारगाह में खिराज पेश करता है तो यूं पेश करता है, नूर बिनते नूर, जौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, उसके सिप्ते उनके जामों में है नीमा नूर का, तो नतीजा निकला तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे रिसालत, नारे हैदरी। मक्का में सिमना जब मोहम्मदाबाद पहुंचे तो लोगों ने कहा, कुछ जाहिर बीन इल्म वाले का खुलफाए राशिदीन के बारे में क्या अकीदा है? आपने किताब पेश कर दी, पहले नंबर पे सिद्दीक अकबर का नाम था, दूसरे नंबर पे फारूक आजम, तीसरे नंबर पे उस्मान गनी, चौथे नंबर पे मौला अली का नाम था। सिद्दीक अकबर की फजीलत चौनौरा और आग पर थी, फारूक आजम की फजीलत चंद और आग पर थी, उस्मान गनी की फजीलत चंद और आग पर थी, और अली की फजीलत दर्जनों और आग पर थी। उन्होंने कहा तरतीब तो सही लिखी लेकिन अली का जिक्र ज्यादा किया, तरतीब तो सही लिखी लेकिन अली का जिक्र ज्यादा किया। अब जुम्मा का दिन आने दो, हम अशरफ पर फतवा लगा देंगे। मौला हजरत अशरफ सिमना को पता चला, मुस्कुरा के कहा जुम्मा आने तो दो, शायद बेचारों ने जुम्मा का इंतजार इसलिए किया कि उस जमाने में ऐसे जलसे नहीं होते होंगे, वरना वो फौरन कॉन्फ्रेंस करके फतवा पढ़ते, लेकिन उन्होंने जुम्मा का इंतजार इसलिए किया कि उस जमाने में शायद जलसों का इंतजाम नहीं था। हजरत अशरफ सिमना ने कहा, अशरफ सिमना ने कहा जुम्मा आने दो। जुम्मा का जुमेरात का दिन गुजरा, जुमेरात की रात गुजरी, फजर से ऐसी बारिश शुरू हुई कि मोहम्मदाबाद के घरों में पानी घुस गया, कोई जुम्मा पढ़ने के लिए मस्जिद में आ ही नहीं सका, उस दिन जुम्मा की नमाज हो ही नहीं सकी। फिर लोगों ने कहा ये जुम्मा नहीं, आइंदा जुम्मा फतवा लगाएंगे। आइंदा जुम्मा आया, फिर इतनी बरसात हुई कोई मस्जिद न जा सका, तीसरे जुम्मा भी इतनी बरसात हुई कोई नहीं जा सका। उनमें एक होशियार था, कहा यार उसको छोड़ दो वरना जिंदगी भर जुम्मा ही नहीं पढ़ सकोगे। उसको छोड़ दो, और अगर फतवा ही लगाना है तो पहले जाके पूछो तो उसने ऐसा किया क्यों। इसलिए कि अहले इंसाफ का तरीका है फतवा लगाने से पहले पूछते हैं ऐसा किया क्यों, उससे जाके पूछो तो सही क्यों ऐसा किया। जब आकर के पूछा अशरफ सिमना ये बताओ, इतने साहिबे करामत हो, अली का जिक्र इतना ज्यादा क्यों किया, तो मौलाए कायनात कहते हैं हर बंदा अपने बाप का जिक्र